सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज वरुण अग्रवाल, यू आर वाचिंग डायनेमिक इन्फो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में, एक ऐसे ब्रांड के बारे में जिस ब्रांड ने काफी समय से अपना नाम लग्जरियस कार्स की लिस्ट में सबसे ऊपर बनाया हुआ है, सबसे टॉप पर अपना नाम रखा हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि इस ब्रांड ने लग्जरियस कार्स की लिस्ट में अपना नाम सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर दर्ज करा दिया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रोल्स रॉयस की। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रोल्स रॉयस के इतिहास के बारे में, और इसी तरह इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे रोल्स रॉयस से जुड़ी कुछ ऐसी बातों पर जिन बातों के बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे, आप शौक रह जाएंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रोल्स रॉयस की हिस्ट्री के साथ, रोल्स रॉयस के इतिहास के साथ। रोल्स रॉयस का जन्म फ्रेडरिक हेनरी रॉयस और चार्ल्स स्टीवर्ट रॉयस के द्वारा मई 4, 1904 में, यानी कि 4th मई 1904 को किया गया था। यही नहीं, 1904 में ही, यानी कि 1904 में ही पेरिस में हो रहे एक एग्जीबिशन में रोल्स रॉयस के प्रोडक्ट्स को भी दर्शाया गया था, रोल्स रॉयस के प्रोडक्ट को भी दिखाया गया था। इसके ठीक 3 साल बाद, यानी कि 1907 में, यानी कि 1907 में रोल्स रॉयस ने अपनी सबसे पहली कार को इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट। इस कार को आज भी लोग एक मास्टरपीस मानते हैं, और यही नहीं, ये कार अपने समय की एक मास्टरपीस, एक हीरा थी, और ये कार अपनी सुंदरता और अपने ऊपर की गई इंजीनियरिंग के लिए भी जानी जाती है। इस कार की लॉन्च के बाद से ही रोल्स रॉयस नाम एक लग्जरियस कार की लिस्ट में आने लगा था। यहाँ पर धीरे धीरे करके रोल्स रॉयस ने अपना एक मार्केट वैल्यू, अपना एक स्टैंड बना लिया था, जिसके बाद 1998 में, यानी कि 1998 में रोल्स रॉयस को BMW ने एक्वायर कर लिया था। अब बात करें अगर इंडिया की, हमारे भारत की, तो हमारे भारत में रोल्स रॉयस ने तकरीबन 70 साल पहले कदम रखा था। यही नहीं, यहाँ पर हम आपको बताते चलें, इंडिया में रोल्स रॉयस कार को प्रोड्यूस करने का जो लाइसेंस मिला है, वो मिला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, यानी कि हैल को। यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो आर्टिफैक्ट पार्ट्स प्रोवाइड करती है, आर्टिफैक्ट पार्ट्स बनाती है, और इस लाइसेंस को रोल्स रॉयस के द्वारा 1956 में, यानी कि 1956 में ही HAL को प्रोवाइड कर दिया गया था, या आप कह सकते हैं HAL को दे दिया गया था। और आज से ठीक 15 साल पहले, यानी कि 15 ईयर्स अगो, रोल्स रॉयस ने अपनी कार को इंडिया में भी लॉन्च किया था, जिसका नाम था रोल्स रॉयस फैंटम, और इसको लॉन्च किया गया था मुंबई के एक लाइव शो में। चलिए, ये तो बात हुई रोल्स रॉयस के इतिहास के बारे में, रोल्स रॉयस के हिस्ट्री के बारे में। अब चलिए हम जानते हैं रोल्स रॉयस की ओनरशिप और ट्रेडमार्क से जुड़ी कुछ चर्चाओं के बारे में, कुछ विषयों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 1998 की, यानी कि 1998 की। इस समय विकर्स नामक एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ने रोल्स रॉयस को बेचने का फैसला कर लिया था, जिसके बाद सबसे पहला जो उम्मीदवार सामने आया था वो था BMW। यहाँ पर इस उम्मीदवार का सामने आना भी लाजमी था, क्योंकि BMW काफ़ी समय से रोल्स रॉयस को इंजन्स और कई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से रोल्स रॉयस को खरीदने का पहला हकदार BMW बनता था। लेकिन यहाँ पर BMW के द्वारा प्रोवाइड किया गया ऑफर, जो कि था तकरीबन 340 मिलियन पाउंड्स का, यानी कि 340 मिलियन पाउंड्स का, उस अमाउंट को कट कर दिया था, या आप कहते तो उस अमाउंट को पीछे छोड़ दिया था वोल्सवैगन के ऑफर ने। वोल्सवैगन ने 430 मिलियन पाउंड्स, यानी कि 430 मिलियन पाउंड्स का ऑफर देकर यहाँ पर विकर्स को एक कन्फ्यूजन में डाल दिया था। इसके बाद वोल्सवैगन के हाथ में रोल्स रॉयस की डिज़ाइन, रोल्स रॉयस का ग्रिल शेप ट्रेडमार्क, रोल्स रॉयस का प्रोडक्शन फैसिलिटी, रोल्स रॉयस की एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, और इसी के साथ रोल्स रॉयस का स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी दे दिया गया। यहाँ पर स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी एक स्कल्पचर है जो कि रोल्स रॉयस के बोनट पर देखा जा सकता है। यहाँ पर इसी के साथ BMW को भी खाली हाथ नहीं भेजा गया, और यहाँ पर BMW को रोल्स रॉयस लोगो और रोल्स रॉयस ब्रांड का लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया गया, तकरीबन 40 मिलियन पाउंड्स के अमाउंट में, यानी कि 40 मिलियन पाउंड्स के अमाउंट के बाद। इस डील के बाद वोल्सवैगन की मुश्किलें बढ़ने लगीं। यहाँ पर इस डील के बाद BMW ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था रोल्स रॉयस को 12 महीनों के लिए इंजन प्रोवाइड करने का, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर इसकी वजह से वोल्सवैगन रोल्स रॉयस की री इंजीनियरिंग, या कह सकते रोल्स रॉयस को फिर से ऑर्गेनाइज कर
नहीं बना पा रहे थे, तो यहाँ पर उसके पास कुछ पार्ट्स ऐसे कम थे, कुछ ऐसे पार्ट्स नहीं थे जो कि BMW रोल्स रॉयस को प्रोवाइड करती थी। इसी के साथ BMW द्वारा प्रोवाइड किया गया इंजन भी उनके पास नहीं मौजूद था, जिसकी वजह से आखिरकार वॉल्सवैगन और BMW ने एक नेगोशिएशन किया, जिसमें वॉल्सवैगन ने BMW को ग्रिल शेप ट्रेडमार्क और स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी सौंप दी, और जिसके बदले में BMW ने 2003 तक यानी 2003 तक वॉल्सवैगन को इंजन और अन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स देने की यहाँ पर मंजूरी दे दी। इसी के बाद से ही 1998 से यानी कि 1998 से 2003 तक यानी 2003 तक वॉल्सवैगन ने कई रोल्स रॉयस की कारें लॉन्च करी, और यहाँ पर इस टाइम में यानी कि 1998 से लेकर 2003 के बीच में BMW को एक काफ़ी अच्छा मौका मिला, जिस मौके को उन्होंने गवाया नहीं। और यहाँ पर उस समय में BMW ने एक अलग एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स रोल्स रॉयस का बना लिया, या आप कह सकते हैं एक नई रोल्स रॉयस कंपनी क्रिएट कर दी। और यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर मौजूद था वो था गुडवुड एस्टेट में, जो कि मौजूद था वेस्टर्न ससेक्स में चेरिस्टन नामक एक जगह पर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रोल्स रॉयस फैंटम 2005 में इंडिया में लॉन्च की गई थी, और ये जो कार थी इसको बनाया गया था BMW द्वारा क्रिएट की गई नई रोल्स रॉयस कंपनी के अंडर में। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो कि रोल्स रॉयस से जुड़ी हुई थी, रोल्स रॉयस से ताल्लुकात रखती थी। और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो हमसे इस वीडियो में छूट गया है जो कि आपको पता हो, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है, एंड आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर कोई इस चैनल पर नया है जो अभी तक इस वीडियो को देख रहा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स एज अ नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहे। और इसी तरह से इस वीडियो को लाइक शेयर और इस वीडियो का कमेंट करना भी मत भूलें, जिससे कि हमें पता चले आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। और हमारी सभी सोशल साइट्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसको भी जाके आप ज़रूर फॉलो करें फर्दर अपडेट्स के लिए। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, बाय।